बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एहसन हान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन हान पे आपको खुश आमदीद। आज के इस वीडियो में मैं आज का असिस्टेंट फूड कंट्रोलर और फूड ब्रांड इंस्पेक्टर का जो टेस्ट PPSC ने कंडक्ट करवाया है, तो उसके जो क्वेश्चन मुझे मिले हैं तो वो आपसे शेयर करने लगा हूँ, और उनमें से कुछ सवाल तो जवाब आपसे शेयर करूँगा, और वो चीज़ें आपको बताऊँगा जो ऑलरेडी मैं अपने वीडियो लेक्चर्स में आपसे शेयर कर चुका हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन, चीफ जस्टिस रिटायरमेंट एज के बारे में पूछा गया था। मिनोरिटी सीट्स इन नेशनल असेंबली के बारे में क्वेश्चन था। विच रेंज इज इन साउथ ऑफ पाकिस्तान, और टर्न कोट मीनिंग पूछा गया था। हु वाज द फर्स्ट मलेशियन प्रेसिडेंट टू डिमांड इंडिपेंडेंस के वाले से क्वेश्चन था। गल्हारा आर्ट रिलेट टू द, इसके तीन ऑप्शन थे, मोहनजोदड़ो, हरप्पा और टेक्सला। इसके अलावा बर्बर ट्राइब के बारे में एक सवाल था। अटलांटिक और कोड वाज साइंड बास अटलांटिक। फिर उसके बाद यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड पर्सन के बारे में पूछा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इन, ये जो सवाल है ये मैंने अपने स्पार्क स्टडी के जो नोट्स हैं लिटरेसी मोबिलाइजर सीरीज वाली जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर किया हुआ था, उसमें ये सवाल मौजूद है। इसके अलावा फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, ये भी उसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। महमूद गजनवी, टोटल अटैक्स, ये भी ऑलरेडी उसी प्लेलिस्ट में है। और इन विच सेंचुरी महमूद गजनवी अटैक, तो ये भी उसमें दिया हुआ है। अंदिस हिमालय बिलोंग टू विच रेंज, और हतूत निगारी के हवाले से था। फिरौन किस जमाने में था, हजरत इब्राहिम कहाँ पैदा हुए। बाइनोमियल थ्योरम प्रेजेंटेड बाय, तो ये सवाल थे। और उसके अलावा ये एक सीरीज दी हुई थी, बीच में खाली जगह जो है यहाँ पे थर्ड वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। इसके बाद कंट्रोल सी। अब लिटरेसी मोबिलाइजर सीरीज जो मैंने प्लेलिस्ट आपसे शेयर की हुई है उसमें जो कंप्यूटर साइंस की शॉर्टकट कीज है उसमें कंट्रोल प्लस सी ऑलरेडी मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ, और उसी में कंट्रोल प्लस एस भी ऑलरेडी दिया हुआ है। उसके बाद जो कश्मीर के हवाले से जो कश्मीर के हवाले से जो सवाल शेयर किए गए, तो ये भी ऑलरेडी मेरे पॉक स्टडी के नोट्स में अवेलेबल है। मिर्जा असदुल्लाह किस शायर का नाम था, और उसके बाद तौरात किस मजहब के लोगों के लिए है, तो ये मेरे इस्लामिक स्टडी के जो नोट्स वीडियो लेक्चर मैंने आपसे शेयर किए हुए हैं लिटरेसी मोबिलाइजर प्रिपरेशन सीरीज के, तो ये उसमें दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। इसके बाद एज के हवाले से यहाँ पे क्वेश्चन शेयर किया गया, और व्हाट कंप्यूटर ऑपरेटर डू, तो इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन थे। नावल किस जबान का लफ्ज है, ग्रामर की रूह से मस्जिद क्या है। नंबर ऑफ स्टेट्स इन अमेरिका, और उसके बाद कैप ऑफ स्नो माउंटेन फाउंड ऑन विच प्लैनेट, विच प्लैनेट इज रिमूव फ्रॉम द सोलर सिस्टम। और 2021 में कौन से कश्मीरी लीडर की वफात हुई। इसके बाद विच सिटी इज एट रिवर टेग्रेस, और कंप्यूटर ऑपरेटर डू मुख्तलिफ ऑप्शन है जैसे कि इनपुट आउटपुट डेटा इन टू कंप्यूटर एंड हैविंग डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेट द डिवाइसेस, मुख्तलिफ ऑप्शन थी इस तरह की। लाइट पेन इज ए मैकेनिकल डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस आर ए मैकेनिज्म, ये मुख्तलिफ ऑप्शन थी। यूनिसेफ हेडक्वार्टर इज इन, और अपोजिट ऑफ मीगर प्रॉन्स एंड कॉन्स मीनिंग, अपोजिट ऑफ क्लाइमेक्स। इसके बाद जादू और मुजात में फ़र्क बताने के लिए किन को भेजा गया था, हारूत और मारूत, तालूत, जिब्राइल, जो मुख्तलिफ ऑप्शन थे। किस गजवा में अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर नींद तारी कर दी और आसमान से बारिश बरसाई, तो गजवात के हवाले से मेरी इस्लामिक स्टडी की वीडियो लिटरेसी मोबिलाइजर प्रिपरेशन सीरीज में ऑलरेडी दी हुई है, जिसमें तमाम गजवात के हवाले से बताया गया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जाय पैदाश के बारे में है। मुगल पीरियड, तो ये भी मेरे लिटरेसी मोबिलाइजर प्रिपरेशन सीरीज की जो वीडियो है पाक स्टडी, जिसमें इंडो पाक हिस्ट्री जहाँ पे मैंने शेयर की हुई है, तो उसमें मुगल पीरियड के बारे में तमाम तर क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हैं। फर्स्ट लीडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, तो ये बाबर थे। और EDPO एंड PODO इन्फोर्स बाय अयूब खान, और एम्बिग्युटी का एंटोनिम पूछा गया था। हु वाज द फर्स्ट वॉइस रॉय, तो ये भी लिटरेसी मोबिलाइजर प्रिपरेशन सीरीज की जो इंडो पाक हिस्ट्री जो पाक स्टडी के नोट्स हैं वीडियो लेक्चर उनमें ये अवेलेबल है। फिर उसके बाद व्हेन द मिसाइल एक्ट वाज इन्फोर्स्ड इन इंडिया, हु इज़ द यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट स्पेशलिस्ट, और फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ज्यूज किल्ड इन सेकंड वर्ल्ड वॉर, और बर्नर इन्वेंटेड बाय, तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन है। विच पोइट गॉट लेनिन प्राइज, ये मैंने अपने पास्ट पेपर में आई थिंक
फूड ग्रैंड सुपरवाइज़र के जो पास पेपर थे उनमें ये सवाल दिया हुआ था, और सिंगल सेल्स ये मुख्तलिफ ऑप्शन थे इसके, आदमी नामा बुक बाय रिटन बाय नज़ीर अकबर आबादी, और टिल इज़ ए प्रेपोजिशंस, नाच ना जाने आंगन तेरा, ये सवाल भी फूड ग्रैंड सुपरवाइज़र के पास पेपर में अवेलेबल है। ज़र्बुल मिसल है ये एक, और फिर उसके बाद मोस्ट सोलेबल इन वाटर, और मजलिस इज़ द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री, तो ये भी फूड ग्रैंड सुपरवाइज़र के पास पेपर में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। वाटरलो इज़ इन बेल्जियम, और फिरहौन किस ज़माने में था, हज़रत इब्राहिम कहाँ पैदा हुए, बायनोमियल इन्वेंटेड बाय या प्रेजेंटेड बाय, करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ के बारे में था, एंड प्लूटो एंड सोलर सिस्टम से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए करेक्ट पेज साइज, तो इसका दुरुस्त जवाब था लैंडस्केप। ये वो सवाल हैं जो मैं आपके लिए कलेक्ट कर सका हूँ, और ये तमाम वो सवालात हैं जो आज के इस पेपर असिस्टेंट फूड कंट्रोलर और फूड इंस्पेक्टर के पेपर में पूछे गए थे, वो सवाल मैं यहाँ पे आपको प्रेजेंट कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।